मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के तीन दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन तीन बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी, लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी।